हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन, रचनास किचन। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है और आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन डेलिकेसी रसम। तो जो रसम आज मैं बनाऊंगी वो है टमाटो रसम, और पिछली बार मैंने बनाया था दाल रसम। तो उसकी रेसिपी का जो लिंक है वो मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आज हम बना लेते हैं टमाटो रसम। सबसे पहले हम रसम पाउडर बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून मेथी दाना और साबुत धनिया लिया है 1 टीस्पून, चना दाल ली है 1 टीस्पून, 2 से 3 लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों को भुनेंगे। मसाले थोड़े से भुन गए हैं, खुशबू आने लगी है। अब इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ करी लीव्स यानी कि करी पत्ते, और अब हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को एकदम मीडियम आंच पे हम भूनेंगे। जब हम इसे धीमी आंच पे भूनते हैं तो इस मसाले की अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगती है और मसाले का कलर भी चेंज होने लगता है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब इनको मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। मसाला मैंने पीस लिया है, आप ये देख सकते हैं। इसको बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा ही रखा है हमने इसको। अब मैंने लिए हैं 3 टमाटर और इनको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके हम इनको कट कर लेंगे। और तीनों टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आइए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन को गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। घी के गरम होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, चुटकी भर हींग, करी पत्ता, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक स्टर देंगे। जैसे ही लहसुन पक जाएगा उसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और अच्छे से इसको भी स्टर करेंगे। हमें टमाटर को गला लेना है। टमाटर को अच्छे से स्टर करने के बाद मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ढक करके हम पका लेंगे टमाटरों को। 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने ढक्कन हटा के देख लिया है तो टमाटर मोर और लेस पक गए हैं। अब देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैंने डाल दी है चुटकी भर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और जो रसम पाउडर हमने बनाया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टीस्पून। अपनी स्पैचुला की हेल्प से हम सारे टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, मसाला भी बढ़िया भुन गया है। ये मैंने लिया है टैमरिंड पल्प यानी कि इमली का पानी। देखिए, इमली को भिगो लिया था, आधा घंटा भिगोएंगे तो इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। हाथों की हेल्प से पल्प को निकाल लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए। रसम में इमली का बहुत महत्व है, इसलिए इमली आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इमली से ही रसम की खटास बैलेंस होती है। कुछ लोग रसम में गुड़ डालना पसंद करते हैं। अगर आपको खट्टा मीठा रसम पसंद है तो थोड़ा सा गुड़ आप डाल सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैंने डाल दिया है 1/2 लीटर पानी, और इसमें थोड़ा सा आप डालिए फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, उससे भी टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और अच्छे से इसको हम बॉईल देंगे, बहुत बढ़िया बॉईल देंगे। रसम हमेशा गरम गरम सर्व कीजिए, तो उसी का मज़ा है, ठंडे रसम में मज़ा नहीं आता। क्या आप देख रहे हैं हमारा रसम कितना बढ़िया पक रहा है। बस ऐसे 2-4 मिनट पकाएंगे फुल फ्लेम पे तो अच्छा पक जाएगा और हमारा रसम रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा टमाटो रसम रेडी है। आई होप आप ये रसम ज़रूर बनाएंगे और गरम गरम अपने गेस्ट को सर्व करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किसी का वेट मत कीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सुपर इजी, सुपर ऑसम और सुपर डिलीशियस रेसिपीज का आनंद आप ले सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाई।